हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रात के बज रहे हैं 10:41 और लेट नाइट स्टडी करूंगी आज मैं। तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही थी तो एकदम से मेरे सामने एक चैनल आया जिसके अंदर 45 आवर्स के अंदर पूरा आपका EVS कंप्लीट है 6 to 12 क्लास तक, और सिर्फ 45 घंटे के अंदर आप अपना EVS ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप यहां से पढ़ना चाहें तो आप अगर पढ़ना चाहें तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप यहां से पढ़ सकते हैं और यहां से आप सारे नोट्स भी बना सकते हैं। और ये क्लासेस UPSC IAS सबके लिए है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी है, तो आप यहां से पढ़ के ज़रूर देखिएगा। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वगैरह नोट्स वगैरह उन्होंने तैयार करवा रखे हैं। तो इधर मेरे लाडो को देखो, वो भी बैठी हुई है पढ़ने के लिए, वो पढ़ नहीं रही है, वो फ़ोन देख रही है। उसे क्या लगता है कि मम्मी फ़ोन में कुछ देखती रहती है, तो उसे पता नहीं है अभी कि मम्मी फ़ोन में पढ़ रही है। तो मैं पढ़ रही हूँ अभी, उसके इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बना रखे थे, बट एक बार मेरा रिवाइज भी हो जाएगा। 45 आवर्स की क्लास तो है, बट मैं इसको 2 से 3 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार मेरा रिविज़न भी हो जाएगा। और एक ही चैनल पर और एक ही ब्लॉग के अंदर मेरे को सारा मिल जाएगा कंटेंट जो भी 6 to 12 तक का है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे ये शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसके पास कैसा टाइम है, कैसे मैनेज करके वो पढ़ रहा है। तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप चैनल पर जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो न्यूज़ आ रही है कि KVS का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, और ये बात शायद सही भी है और नहीं भी है। पोस्टपोन तो वैसे होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि फैब में आपको पता है कि 10th 12th के एग्ज़ाम चलते हैं, तो आगे से CBSE वालों ने उन्होंने नोटिस लिखा है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे, क्योंकि सारे जो टीचर्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए सब लोग काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो और उनको काफ़ी सारी तैयारी करना पड़ता है क्योंकि सेंटर वगैरह पढ़ते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने आगे से लेटर तो लिखा हुआ है KVS के लिए कि पोस्टपोन कर दिया जाए, बट अभी कुछ पता नहीं है। अगर वो एक पोस्टपोन हो भी जाता है तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, क्योंकि अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे आप तो आपके लिए ही फ़ायदा है, क्या पता पोस्टपोन ना भी हो। अगर आप सोचेंगे कि पोस्टपोन हो जाएगा आप कम पढ़ेंगे तो आपके लिए लॉस वाली बात है ये। मैं ज़्यादातर लेट नाइट स्टडी करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है दोबारा से, उसको कोल्ड कफ ज़्यादा हो रखा है, तो वो ढंग से मुझे सोने भी नहीं देता, तो इसलिए मेरी अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख नहीं खुल पाती है। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मेरी क्या किसी की भी नींद पूरी नहीं होगी, तो वो ठीक ठाक से नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। मुझके 1.5 आवर पढ़ते हुए हो चुका था, और अब मैं रोहित वैद्यवान सर की मॉडल टेस्ट पेपर जो करवाते हैं उसको करने जा रही हूँ, क्योंकि ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसको करने के बाद मैं अपने स्कोर देखूँगी कि मेरे कितने स्कोर आते हैं पैडागोजी में। तो अगर आप करना चाहें तो आप इनके चैनल से पैडागोजी के कितने स्कोर बन रहे हैं आपके, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी सिस्टर को मेरी पता नहीं है कि कहाँ से मॉक टेस्ट दिया जाए। तो सबसे अच्छा आप यहाँ रहेगा कि लगा रखे हैं कौन सा मेरा सही है कौन सा मेरा गलत है। तो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में मेरे 30 out of 21 बने हैं। अभी 30 में से 21 नंबर आए हैं मेरे, तो मेरा भी स्कोर यही है। आप चाहें तो आप भी वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं।